था, अब उसकी शादी हो गई, उसको जाने देना। इतने बड़ा तू आशिक है तो तेरे से पहले से क्यों नहीं रुकी वो? हम तो तब मानते ना जब तू उससे शादी करता, सब कुछ निभाता। अब जब वो किसी और की हो गई है तो अब तू क्यों उड़ता हुआ तेल ले रहा है? सुधर जा, तेरी लाइफ एंडेंजर में चली जाएगी, ठीक है? अब वो किसी और की हो गई है। ऑलराइट गाइस, सो क्वेरी आई है कि सर मेरी शादी हो गई है और शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, अब शादी हो गई है, वो मेरे को तंग करे जा रहा है बार 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 बार, मैसेज करता है कि मेरे से बात कर, मेरे साथ ये कर वो कर, फिजिकल रिलेशन बना एंड ऑल एंड, ठीक है रबिस। अब वो चाहती है कि मैं ये सब ना करूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं आगे मूव ऑन करूँ। तो देखो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, अगर तुम्हें वो स्टॉक कर रहा है ना, स्टॉक इन द सेंस स्टॉकिंग कर रहा है 354D में, ठीक है, जैसे बार बार मैसेज करना, बार बार आपको तंग करना, हाय हेलो, मतलब समझ रहे हो, ये भी स्टॉकिंग है। जरूरी नहीं कि फिजिकली स्टॉकिंग हो, ऑनलाइन भी स्टॉकिंग होती है, 354D में वो आती है। तो आप केस फाइल कर सकते हो, 354D में जाके केस फाइल कर सकते हो, अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन देखना कि सर मेरे को ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहा है और ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहा है, और देख लो आप इसको, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है, मान लो आपकी कोई पर्सनल पिक्स है उसके पास और वो उनको बोलता है कि तेरे पति को दिखा दूंगा, मेरे साथ ये कर, मेरे को इतने पैसे दे, वो दे, ये दे, वो दे, तो आप उसकी साइबर सेल में कंप्लेंट डाल सकते हो कि भाई ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर सेल बनाए होते हैं ना, अगर आपको मतलब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर स्टेशन पुलिस स्टेशन वो बने हैं ना फिजिकल फॉर्म में, तो आप वहाँ जाके कर दो। अगर नहीं है इन केस, तो आप साइबर सेल की उसमें जाके, वेबसाइट में जाके वहाँ कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, तो इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियो हैं कैसे करना है, वो सब आ जाएगा, उसके स्क्रीनशॉट, उसका पता वता सब उसमें डालना होता है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है, अगर मान लो तुम्हारे साथ मारपीट करता है, जैसे तुम कहीं जा रहे हो और मारपीट करता है या फिर कुछ भी मतलब वो करता है फिजिकल फॉर्म में, तो उसके खिलाफ आप 323 की वो करवा सकते हो, भाई इसने मेरे साथ मारपीट की, वॉलंटरी मारपीट की, ये सब। अब नेक्स्ट थिंग आती है, देखो लड़के के लिए, भाई सुन ले, तू भी सुन ले, अगर उसकी शादी हो गई है तेरी, ठीक है, वो तेरा 5 साल का, 10 साल का, पता नहीं कितने कितने साल का प्यार था, अब उसकी शादी हो गई, उसको जाने देना। इतना ही बड़ा तू आशिक है तो तेरे से पहले से क्यों नहीं रुकी वो? हम तो तब मानते ना जब तू उससे शादी करता, सब कुछ निभाता, अब जब वो किसी और की हो गई है तो अब तू क्यों उड़ता हुआ तेल ले रहा है? सुधर जा, तेरी लाइफ एंडेंजर में चली जाएगी, ठीक है। अब वो किसी और की हो गई है, 7 फेरे हो गए, छोड़, जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तेरे में, छोड़ यार, सिंपल, अपना काम धंधा देख कोई, और अपने घर वालों को सपोर्ट कर, अपने घर वालों के लिए कोई नई बहू वहू लेके आ, क्यों उसके पीछे पड़ रहा है? ओके, सो दोनों के लिए अब देख लो, बैलेंस कर दिया। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं इंस्टाग्राम है मेरा, गरीब अकबर के नाम से, आप वहाँ पे सर्च करके मेरे से पर्सनल क्वेरी, अपॉइंटमेंट, कुछ भी जो भी तुम्हें चाहिए पर्सनल चीज़ें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि यार कैमरे पे नहीं बता सकते बहुत चीज़ें, ठीक है, फिर वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाती है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, बाय।